गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं हो चुकी हूँ अपने कॉलेज के लिए तैयार। फिर से वही पुराना वाला नाश्ता करने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ अपने कॉलेज। और यहाँ प्रोजेक्टर पे दिखाया जा रहा है आई इरिगेशन का प्रोसीजर। वैसे तो हमें लैब में दिखाया जाता है डमी के ऊपर, बट आज हमें प्रोजेक्टर पे दिखाया जा रहा है। हम निकल पड़ते हैं अपने क्लिनिकल पोस्टिंग की तरफ। दो फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते थके हारे हम पहुंच चुके हैं अपने वार्ड में, गांधी मेडिसिन वार्ड 5 में। मेरा आज प्रेजेंटेशन है तो मैं अभी जा रही हूँ गांधी मेडिसिन वार्ड 2 में। मेरी फ्रेंड का चल रहा है अभी प्रेजेंटेशन। वैसे बहुत मुश्किलों से हमें वक्त दिया गया है, सारे बच्चों का हो चुका है, बस मेरे वार्ड का बचा हुआ था। तो अभी इसके बाद मेरा भी बचा हुआ है, इसके बाद मेरा भी नंबर है। अभी ये चल रही है सेकंड प्रेजेंटेशन। और देखो पेशेंट कितने ध्यान से सुन रहा है। जब पेशेंट इतने ध्यान से सुनता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हम पे ध्यान दिया जा रहा है। हमारा वार्ड अभी आर हो गया है कम्प्लीट। अभी हम जा रहे हैं अपने मेस में खाना खाने के लिए। खाना खाने के बजाय आज हम ये खा रहे हैं पेटीज और कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद हम पहुँच चुके हैं अपने कॉलेज। हम जल्दी पहुँच चुके हैं तो इसलिए पूरी क्लास पे हमारा राज है, बुरा अंधेरा करके हम बैठे हुए हैं। हमारे हुए थे सेशनल एग्ज़ाम्स, तो उसकी कॉपियाँ दिखाई जा रही हैं। दो कॉपियाँ पहले भी दिखाई जा चुकी हैं, अभी ये तीसरी दिखाई जा रही है। तो आप इसमें देखो, क्वेश्चंस देखो, जो आपने पहले पढ़े हुए हैं ना, यही सब इसमें बायोकेमिस्ट्री में, न्यूट्रिशन में वही सब क्वेश्चन आते हैं। पूरा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करने को आया था। ये देखो, क्रेब साइकिल पूरी बनाने के लिए पूछी जाती है। और स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में पूछा गया था। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस, जो कि बहुत फेमस है 12th में 11th में, उसके बारे में पूछा जा गया था। तो हम बहुत शोर मचा रहे थे, इसलिए हमें हाथ खड़ा करके खड़ा कर दिया गया था। कुछ बच्चे अपने मार्क्स बढ़वा रहे हैं। शाम को फिर से वही ठूसने के बाद मैं जा रही हूँ बाहर हजरतगंज कुछ काम के लिए। और इतने दिनों बाद मैं रिक्शे पर बैठी हूँ। ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का तो मौसम था ही। तो तुरंत मैं हॉस्टल जाके तुरंत बैग रख के मैं निकल पड़ी हूँ कुछ काम से। काम नहीं हुआ इसलिए वापस मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल। और चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। शाम को डेली होती है यहाँ पे भगवान जी की आरती। तो आरती अटेंड करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ अपने मेस में खाना खाने के लिए। तो आज शाम को भी मैंने खाना नहीं खाया, खाने के बदले में मैंने फ्रूटी पी ली और माजा पी लिया। तो हमारे हॉस्टल में बिल्ली ने दो प्यारे प्यारे बेबीज़ को लाई है, मतलब दो बच्चे आए हैं हमारे बिल्ली के अपने हॉस्टल में। यार ऐसे घूरते हैं ना, इतना डर लगता है, ऐसे लगता है टाइगर जो होते हैं ना, वैसे हैं तो उन्हीं की प्रजाति, लेकिन फिर भी डर लगता है बहुत बिल्ली की आंखों से। तो अभी मैं ये कर रही हूँ काटा पीटी का काम। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्यों कर रही थी। तो इसी के साथ बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।